है और ये पंडित आपकी पूजा करवाते हैं, आप पर्सनल अपनी पूजा कर सकते हैं। सृष्टि दी मालिक महाकाली। तो गाइस आज अब हम उस मंदिर में हैं जिसमें कपाट बंद होने के बाद केदार बाबा नीचे आएंगे, उनकी डोली आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर का भी पोर्शन है जो कल करके और माँ पार्वती की आराधना की, कई वर्षों तक तपस्या करते रहे लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया। अंत में मैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज गर्ल व्लॉग। सो गाइस आज थर्ड डे है हमारी ट्रिप का और हम केदारनाथ होके आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा हमारा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हम जा रहे हैं ऊंची मठ टेम्पल जहाँ पर केदारनाथ जी 6 महीने के लिए आते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओखी मठ रुद्रप्रयाग में पड़ता है और बेसिकली इसी के रूट में हम काली मठ मंदिर आए हैं जो कि काली माता का मंदिर है। ये 108 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। जय काली मैया, जय काली मैया, जय काली मैया, जय काली मैया, जय काली मैया। तो हम काली मठ मंदिर जा रहे हैं माँ काली के दर्शन करने, बहुत ही अच्छा लग है जो कि काली माता मंदिर के नाम पर पड़ा है और ये मंदिर सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है और ये सी लेवल से 1800 मीटर ऊपर है। और आप अगर केदारनाथ आते हैं तो आप यहाँ जरूर आइए, बिकॉज केदारनाथ के रूट में ही आपको पड़ेगा ये। केदारनाथ से 49 किलोमीटर पहले पड़ता है रुद्रप्रयाग में और उखी मठ से 1 घंटे की ड्राइव है। जो आप सामने सिल्वर यंत्र देख रहे हैं, इसे श्री यंत्रा बोलते हैं। बेसिकली ये सिल्वर प्लेट है, काली माता रक्त बीज का सिंघार करके ये अंदर समा गई थी जमीन के और ये श्री यंत्र ऊपर आ गया था। इसकी पूजा की जाती है, इसी के आसपास मंदिर बना हुआ है और इस श्री यंत्र को यहाँ से तभी हटाया जाता है नवरात्रि में, अष्टमी वाले दिन इसको हटा के इसकी पूजा होती है, अदरवाइज ये हमेशा ढका होता है। यहाँ पे आके पंडित आपकी पूजा करवाते हैं, आप पर्सनल अपनी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि जो लोअर पार्ट है उनकी पूजा यहाँ पर होती है, जो अपर पार्ट है वो धारी देवी टेम्पल में होती है जो कि श्रीनगर में है, वो भी केदारनाथ रूट पर ही पड़ता है। काली माता मंदिर के साथ आपको महा सरस्वती माता का मंदिर, गौरी शंकर का मंदिर और यहाँ पे भैरव बाबा जी का भी टेम्पल है, जहाँ पे ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते हैं कितना पुराना है ये, कई हजारों साल पुराना है और जिसकी मूर्तियाँ हैं वो भी ऐसी लगती हैं कि ज़मीन से निकली हुई काफ़ी साल पुरानी मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं। माता के दर्शन
और शिव जी के भी दर्शन यहाँ पर हो गए। और बहुत ही अलग ही फीलिंग है यहाँ पे आके, बहुत ही शांति, नीचे नदी चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में यहाँ पर भगवान विराजमान है। तो आप लोगों को अगर मौका लगे तो आप ज़रूर आना यहाँ पर, बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। मैं अगला मैं मंदिर आपको दिखाती हूँ, ओखी मठ, जहाँ पे केदारनाथ जी 6 महीने के लिए विराजमान होते हैं। जब कपाट बंद होते हैं तो मैं वहीं लेके चलती हूँ। सामने जो टेंपल दिख रहा है वो ओखी मठ टेंपल है। तो गाइस आज अब हम उस मंदिर में हैं जिसमें कपाट बंद होने के बाद केदार बाबा नीचे आएंगे, उनकी डोली आएगी यहाँ पे। तो उस मंदिर के हम दर्शन करके जा रहे हैं, जब यहाँ पे आए हैं तो क्यों नहीं। तो यहाँ पे जो मंदिर है वो उसे बोलते हैं कि बिल्कुल केदारनाथ की तरह बना हुआ है। और यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर का भी पोर्शन है, जो कलरफुल पोर्शन है वो बद्रीनाथ मंदिर के जैसा है। और केदारनाथ मंदिर जो जहाँ शिव जी विराजमान है, जो हमारे केदार बाबा विराजमान होते हैं, वो ये वाला मंदिर है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल उतने ही साल पुराना है और आप देख सकते हैं वैसा ही है एग्जैक्टली। अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी मरम्मत चल रही है, बट अब हम देखते हैं कि अंदर दर्शन हो सकते हैं नहीं। हो सकता है मैं अंदर की वीडियो ना बना पाऊँ, पर जितना मैं आपको दिखा सकती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। पंच केदार के दर्शन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो ये शिवलिंग बने हुए हैं इनको पंच केदार बोलते हैं। आप देख सकते हैं 5 शिवलिंग हैं, इनके दर्शन अगर आपके हो गए तो धन्य है आप। हर हर महादेव। कितना पुराना मंदिर है ये? 5.5 हजार पुराना मंदिर है। शिव जी का टेंपल है क्या? हाँ, ये भी पांडवों ने बनाया था, वो भी पांडवों ने बनाया। अच्छा, इतने समय के बनाए हुए हैं ना ये। ओके, आपके राना जाए गए होंगे या जाएंगे यहाँ पे, बनाया जाता है। हाँ। इसीलिए यहाँ पे ये गुप्त दान बोलते हैं, उसको खाटा जाता है, इसका अपने हाथ में रख करके नाम बोलते हैं। गाइस अब हम जो अगला टेंपल आए हैं ये है गुप्त काशी का, काशी विश्वनाथ टेंपल। यस, यहाँ पर गुप्त दान होता है और बोलते हैं कि पांडवों को यहाँ पर शिव जी ने गुप्त रूप में दर्शन दिए थे। तो वही हम उनकी कहानी सुनेंगे पंडित जी से। और यहाँ पर गंगा यमुना दोनों पानी आ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं दोनों का संगम हो रहा है यहाँ पे। इनसे हाथ पैर धो के फिर हम पूजा कराएंगे और पंडित जी हमें बताएंगे इस मंदिर की क्या मान्यता है। द्वापर में जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था तो पांडव ने अपने भाई कौरव को मार दिया था, अपने गुरु को मार दिया था। उन पांडव पे गोत्र हत्या और ब्रह्महत्या लग गया था, यानी पाप लग गया था। तब वो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अपने वेद व्यास की बात की थी, तो उनके व्यास ने बोला था हिमालय केदारनाथ, यानी हिमालय में जाइए, वहाँ पे केदार नाम का कोई स्थान है, वहाँ पे शंकर भगवान तुमको दर्शन देंगे, तुम्हारे सारे पाप छूट जाएंगे, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पांडव लोग कुरुक्षेत्र से निकले थे, बनारस काशी में गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया, उत्तर काशी में गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। यहाँ पे आए थे तो इसका नाम गुप्त काशी नहीं था, इसका नाम मांडी गाँव था। यहाँ पे जंगल था, मंदिर नहीं था। यहाँ पे भगवान शंकर और माँ पार्वती एकांत में तपस्या में बैठी हुई थी। जो ही पांडव लोग आए तो भगवान को मालूम हुआ यहाँ कोई आ रहा है, तो भगवान गुप्त
जब भगवान शंकर गुप्त हुए तब यहाँ का नाम पड़ा गुप्त काशी। तभी से यहाँ पे गुप्त गंगा गंगोत्री जाती है, यमुना यमुनोत्री जाती है। यहाँ पे पांडव ने स्नान करके और माँ पार्वती की आराधना की, कई वर्षों तक तपस्या करते रहे लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया। अंत में मैं पार्वती को दया आया तो माँ पार्वती ने पांडव को, हे पांडव भगवान तुमको दर्शन नहीं देना चाहते हैं, तुम अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए किसी फल का दान करो। जब पांडव ने यहाँ पे गुप्त दान किया था तब यहाँ पे भगवान ने दूसरा जो मंदिर है अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान ने पांडव को यहाँ पे दर्शन दिया। तब पांडव ने यहाँ पे ये मंदिर बनाया, फिर यहाँ से ये हमारे केदारनाथ में वहाँ पे भगवान को मालूम था कि पांडव मेरे पीछे पीछे आएंगे। भगवान ने वहाँ पे करोड़ों भैंसों का रूप ले लिया, करोड़ों भैंस बन गए। वहाँ पे एक पर्वत मेरु है, एक सुमेरु है, बीच में मंदिर है। भीम ने जो है अपने दोनों पांव फैलाए और अपने भाई को बोला इन भैंसों को एक एक करके हाँको, जो नकली भैंस होगा वो मेरे पांव के नीचे चले जाएगा, जिसपे भगवान होंगे वो तो जाएगा नहीं, तब जाके भगवान के दर्शन हो जाएंगे। चलते चलते सारी नकली भैंस चले गई, लेकिन जो केदारनाथ में स्वयं में जो भगवान है वो भैंस रुक गया, वो इधर उधर भागने लगा पांडव पहचानिए। जब तक पांडव ने उसकी पूंछ पकड़ी उस टाइम ने सिर जो है नीचे जमीन में गाड़ दिया। जब तक पूरी भैंस समाने वाली थी तब तक भीम ने जो है उसका पृष्ठभाग पकड़ दिया। ये जो भैंसा का पृष्ठभाग है ये भगवान ने शिवलिंग रूप में केदारनाथ में छोड़ दिया और ये सर का ऐसा पशुपतिनाथ घाट बनो नेपाल में। फिर उनको आकाशवाणी में पांडव भगवान ने तुमको यहाँ पे दर्शन दे दिया है, यहाँ पे अपने हाथों से घी का लेपन करो। केदारनाथ में घी लगाया जाता है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा हम पाप संभव हो त्राय माम पार्वतीनाथा सर्व पापो हरिहर। इसलिए वास करो घर परिवार में, सुख दो, शांति दो, आनंद दो, आरोग्य दो, सब कुछ।